सर जेपी नड्डा हैं, सर राजस्थान में आके गए हैं, ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आग लग गई। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, तो मैं यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते हैं। हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। जिस रूप में इन्होंने एक घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष की द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है। चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भड़क जाते बेचारे को। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है, चोट उसी की लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को भी चोट लगी है, कोई का दुखा हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत सद्भावना रहे, तब जाके हम और आगे बढ़ पाएंगे। देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बेअंत सिंह शहीद हो गए, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद में कुर्बानी दे करके इस देश को एक रखा, अखंड रखा, और आज यहाँ तक पहुँचाया है। और मोदी जी कहते हैं कि साहब क्या आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, 70 साल में क्या किया इन लोगों ने। तो ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा, सरकार बनने के बाद में एक बार लिचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था ये एंटी सोशल एलिमेंट है, पूरे देश ने स्वागत किया था उसका। तो उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा, आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है। वो चाहते नहीं है।